हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक से रिलेटेड दोस्तों बिग न्यूज है कि यस बैंक का जो संकट जो आया था उससे फिर जो डर का जो माहौल देखने को मिला, तो किस बैंक पे इसका इफेक्ट देखने को मिला है और ये न्यूज क्या करियर इससे किस बैंक को फ़ायदा हुआ है। देखो, यस बैंक संकट से बैंक को फ़ायदा हुआ है और किसी बैंक को नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पे जो पूरी खबर बताई गई है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे देखो, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो सेविंग अकाउंट्स हैं या जमा जो पैसा जमा हुआ है, तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में ज़्यादा वृद्धि हुई है। उधर ट्रांसफ़र हुए हैं अकाउंट और जो पैसे उधर ट्रांसफर हुए हैं, जो 11% की इनमें वृद्धि देखी गई है। और जो यस बैंक की अगर देखो पूरी न्यूज के ऊपर बात करें, तो देखो किसी बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है और किसी बैंक को यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। जिसमें अपन बात करें HDFC बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, तो 7% से लेकर 11.5% तक में इनमें जंपिंग देखा गई है। इधर पैसे ट्रांसफ़र देखने को मिले हैं, इधर अकाउंट खुलते नजर आए हैं, इधर पैसे डिपॉजिट यानी कि उनको जो जमा पैसे हुए हैं वो इधर ट्रांसफ़र देखने को मिले हैं। जो नुकसान किनको है, RBL बैंक और इंडसइंड बैंक है, वो यस बैंक का इफेक्ट इन पे पड़ा है। इन बैंक छोटे जो यानी कि HDFC कोटक महिंद्रा बैंक की तुलना में ये बैंक इनसे छोटे हैं। तो RBL और इंडसइंड बैंक से यहाँ पे अगर जो बात करें, जो पैसे जो निकाले गए हैं डिक्लाइंस यानी कि इनमें जो कमी आई है अकाउंट्स में और जो पैसे जमा कराने में कमी आई है, वो 8% से लेकर 6% दोनों में अब बताया गया है, एक में 6% एक में 8% के लगभग। तो ये दोस्तों एक यस बैंक से जुड़ी हुई न्यूज है कि दो बैंकों को यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला है, दो बैंकों को नुकसान देखने को मिला है। लेकिन ये धीरे धीरे वापस सेटल हो गया है, क्योंकि यस बैंक आपको पता है अब ऐसी कोई मॉरेटोरियम हटा लिया गया, तो इससे अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लोग पैसे निकाल पा रहे हैं। और आपको जो CASA आपको दिखाई दे रहा है, ये कि क्या होता है, एक अनुपात होता है कि जो डिपॉजिटर्स करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है और टोटल जो पैसा होता है, ठीक है, कुल जो ग्रोथ है पैसा है, टोटल डिपॉजिट है, उनमें से कुछ अनुपात निकला है CASA, वो निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, आज के काम की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अमेजिंग, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको काम देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज के यहाँ के ऑल टारगेट सक्सेसफुल पूरे देख सकते हैं। सन फार्मा टारगेट सक्सेसफुल, बजाज ऑटो टारगेट सक्सेसफुल यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट, अदानी पोर्ट का यहाँ टारगेट सक्सेसफुल, कोटक बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, मारुति का टारगेट सक्सेसफुल। एक कोटक बैंक का देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो सेल का बाय में कन्वर्ट कराया था और आपको टारगेट देखने मिला। HDFC बैंक का टारगेट सक्सेसफुल यानी कि किसी भी कोल्स में टारगेट आने से बचा नहीं है और ऑल टारगेट सक्सेसफुल मिला है। बहुत ही गजब का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मात्र एक छोटी सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है। आपके ब्रोकर का जो ब्रोकरेज चार्ज डेली देते हैं, उसमें भी सिर्फ एक दिन के ब्रोकरेज चार्ज में से 50% डिस्काउंट करके आधे दिन का ब्रोकरेज चार्ज दोस्तों आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। और दोस्तों आपको ऐड कर लिया जाएगा पूरे मंथ के लिए बिग डिस्काउंट के साथ, आप भी दोस्तों पा सकते हैं धमाकेदार अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं यस बैंक की थोड़ी आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ कि यस बैंक में यहाँ पे जो लेवल्स है वो आपको कहाँ से यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक अभी आपको 25 रुपये के आसपास है। जैसे 26 रुपये का लेवल ब्रेक होगा यस बैंक में, तो इसका तो दोस्तों पहला ही टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे 28 रुपये का, उसके बाद 30, उसके बाद 35, 37 और आपको ये 45-50 तक के टारगेट बहुत ही स्पीड से यस बैंक दिखाता हूँ मुझे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा ब्रेकआउट था 26 रुपये का ब्रेकआउट है जो मैं एनालिसिस कर रखा है मैंने पैटर्न पे, वो भी इसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत स्पीड से यहाँ पे यस बैंक निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। 26 रुपये को ब्रेक करेगा, तो 26 को ब्रेक नहीं करेगा तो यस बैंक दोस्तों नीचे खिसक सकता है, लेकिन वो 22.50 के नीचे खिसकेगा तब ज़्यादा खिसकेगा, नहीं तो 22.50 और 26 के बीच में घूमता रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि 26 रुपये को ब्रेक करने के बाद यस बैंक वो आपको बोम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 26 को ब्रेक करेगा तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी सीधे इंटरेस्टेड दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ सकते हैं, मात्र छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है दोस्तों, उसमें बिग डिस्काउंट आपको देखे 50% और आधे दिन की गाइडलाइंस के साथ दोस्तों आपको एक महीने की पूरी फ्री सेवा दी जाएगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।